भी आज हमारे बीच वो नहीं, एक बड़ी क्षति हो गई है। नहीं, बहुत बड़ी क्षति हुई है। और खास तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए जिनके लिए वो आदर्श रहे हैं, खुद एक ऐसे पढ़े लिखे नेता जिन्होंने हर चीज पर अध्ययन कर कर, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी ने पढ़ाई कर कर चीजों पर अध्ययन कर कर जनता के बीच तथ्यों के साथ चीजों को रखने का काम किया, उनमें से एक आदरणीय सुशील मोदी जी थे। और मेरे लिए तो मतलब एक के बाद एक, मेरे पिता कुछ समय पहले गए, मेरे पिता के सबसे करीबी मित्रों में से, आप सबने इस बात का अनुभव किया होगा, चुनाव प्रचार होता था तो इन दोनों की जोड़ी हमेशा एक साथ होती थी। मेरे पिता होते थे और आदरणीय सुशील मोदी जी, एक साथ ये लोग प्रचार करते थे हर जगह जाकर। तो ऐसे में आज उनका नहीं जाना, फिर से वही कमी महसूस हो रही है जैसे पापा के जाने के वक्त हुई थी। और अभी बल्कि मेरी कुछ दिन पहले उनसे एक अच्छी खासी लंबी मुलाकात, हम लोग अयोध्या गए थे इकट्ठे, और वहां पर जब राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान श्री राम की, तो उसमें वापस आते वक्त हम लोग साथ में एयरपोर्ट पे घंटों हम लोग बैठे, बातचीत हुई, परिवार के साथ थे वो। और आज एकदम से देखते देखते, अच्छा उस दिन तक तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि वो ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त है, जनवरी का वो समय था, और ये 4 महीने में देखते देखते आज वो हम लोग के बीच नहीं है, अभी तक इस बात का विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। चिराग पासवान जी, देखिए वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे और आप भी जमीन पर जाते हैं, जनता से मिलते हैं, क्या उनकी क्या खूबी है जो आप अपनाना चाहेंगे और आगे की राजनीति करना चाहेंगे? सबसे पहले तो वो सत्ता में रहे हों, विपक्ष में रहे हों, जो जो उन्होंने धैर्य रखा, जिस तरीके से हमेशा हर परिस्थिति को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, आपने उनको विपक्ष में भी देखा तब भी उन्होंने उतनी ही गंभीरता से उस भूमिकाओं को भी निभाया, सत्ता पक्ष में उप मुख्यमंत्री की भूमिका को भी उन्होंने हमेशा उतनी ही गंभीरता से उन्होंने लिया। ये कुछ ऐसी बातें, और अभी जैसा मैं जिक्र कर रहा था, डेटा पे काम करते थे, स्टैटिस्टिक्स तथ्यों के आधार पर, आरोप सिर्फ लगाने के लिए नहीं लगाते थे। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अध्ययन पढ़ने लिखने वाले नेताओं में से एक, रोज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ना किसी विषय को लेकर और तथ्यों के साथ जनता के सामने चीजों को रखना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी, मैं तो खास तौर पर उनको अपने आदर्श के रूप में मैं लेता हूँ, उनसे बहुत चीजें सीखी हैं, आगे भी उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का मैं प्रयास करूंगा। बट आज उनका नहीं रहना, यकीनन ये विश्वास नहीं हो रहा अभी तक। चिराग पासवान जी, देखिए आपके पिता थे और उसके बाद तो सुशील मोदी, दोनों की दोस्ती भी रही है, दोनों साथ में काम किए हैं, राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, कोई ऐसा पल जो आपने देखा हो दोनों के साथ में, अगर वो साझा करना चाहें आप? नहीं, कैसे, काफी ऐसे पल हैं दोनों की दोस्ती, और दोनों जब चुनाव प्रचार में एक साथ निकलते थे, मेरे पिता खाने के शौकीन होते थे, वो भी कई तरीके की चीजें लेकर जाते थे, और उतनी ही सादगी से आदरणीय जी सुशील मोदी जी भी बिल्कुल, अपना बस एक टिफिन लेकर चिराग आ पासवान जाते जी, थे। आपके पिता और सुशील मोदी की भी कई यादें हैं। और इस बीच देखिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा